जमशेदपुर के थाना गजरौला के गांव में एक महिला फरियादी ने थानेदार की लापरवाही की शिकायत की है। वो कई घंटों तक इंतजार करने के बाद भी अपनी शिकायत नहीं दर्ज कर पा रही। महिला ने आरोप लगाया कि दबंग लोगों ने उसके बेटे को झूठे मुकदमे में फंसाने की साजिश रची है। अंत सिंह ने पैसा लिया था लड़के की शादी की मार्च में, तो पैसा लिया था उनसे, पैसा मांगा, वो धमकी दे रहे हैं। अच्छा, बच्चे को छत्तर लगवा देंगे वो उसकी औरत का रानी तो ये कह रही हैं। कल हम चौकी आए तो चौकी वाले बोले उनसे मानी नहीं, अब वो कह रहे थाने जाओ, थाने वाले कह रहे चौकी जाओ। उन्नाव में प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर मंत्री धर्मपाल सिंह ने जिला अस्पताल में फल वितरण किया और सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने खुद झाड़ू लेकर अस्पताल में सफाई की। कासगंज में दो दोस्तों आदेश और अवनीश ने मिलकर अपने दोस्त हृदेश की जान ले ली। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से लैपटॉप, मोबाइल फोन, आधार कार्ड और नकद बरामद किया। अम्बेडकर नगर के मेडिकल कॉलेज सदरपुर के DMLT छात्र शिव नारायण मौर्य को अलीगंज थाना अध्यक्ष राजेश श्रीवास्तव ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जिसके बाद SP डॉक्टर कौस्तुम ने अलीगंज थाने और सर्विलांस टीम को सम्मानित किया। हरदोई में ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर दूसरे दिन भी 12 वफात का जुलूस निकाला गया, जिसमें हजारों लोगों ने भाग लिया। जुलूस में जमकर नारे लगाए गए, वहीं सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन भी कड़ी व्यवस्था की। हरदोई में प्रभारी मंत्री असीम अरुण ने मेडिकल कॉलेज का औचक निरीक्षण किया, जहां 12 से 11 मरीजों को बाहर की दवाइयां लिखी गई। इस दौरान उन्होंने नाराजगी जताई और प्रिंसिपल डॉक्टर देश दीपक तिवारी को फटकार लगाई। प्रयागराज के थाना थरवई क्षेत्र में मछली पकड़ने गए 12 नाविकों की दो नावें मौसम खराब होने की वजह से पलट गई। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस, NDRF, SDRF और PAC की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। सभी व्यक्तियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। अम्बेडकर नगर के नारायणपुर फाउंडेशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 74वें जन्मदिन पर अकबरपुर के अफजलपुर प्राथमिक विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर 150 स्कूल बैग, पाठन सामग्री का वितरण किया गया, मिष्ठान वितरण और वृक्षारोपण भी किया गया। पौड़ी जिले में भगवान विश्वकर्मा की जयंती के अवसर पर पुलिस लाइन में शस्त्र पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने विधि पूर्वक पूजा अर्चना की और पुलिस कर्मियों ने अपने अपने थानों में भी इस पर्व का आयोजन किया। ऋषिकेश में लॉयंस क्लब ऋषिकेश लॉयल ने 17 अक्टूबर से शुरू होने वाले भव्य दिवाली मेला और ऑटो एक्सपो 2024 का ऐलान किया। मेले में मिस ऋषिकेश प्रतियोगिता, कई फूड स्टॉल, उत्तराखंड के व्यंजन, डांस, सिंगिंग और मास्टर शेफ प्रतियोगिता होगी। बहुराष्ट्रीय कंपनी अपने नए ऑटो मॉडल पेश करेंगी और बुकिंग पर विशेष छूट भी मिलेगी।